नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको LVDS कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि LED का पैनल टूट जाता है या कभी LED पैनल में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें पैनल बदलना पड़ता है। और दोस्तों पैनल बदलने के दरमियान में हमें LVDS कनेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, भी जो है आप पैनल को रिप्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदरबोर्ड को किसी कारणवश रिप्लेस करना पड़ता है, तो मदरबोर्ड को भी रिप्लेस करने के लिए हमें LVDS कनेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मदरबोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो यकीन मानिए कि किसी भी कंपनी का पैनल हो, LG हो, सैमसंग हो, पैनासोनिक हो, आप उसका LVDS कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा LVDS कनेक्टर के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी LED टीवी या LCD टीवी में यदि हमें यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पैनल मॉडल से जो है गूगल पे उसका डाटा शीट डाउनलोड किया जाता है, और डाउनलोड करने के बाद में डाटा शीट में बताया गया रहता है कि कौन सा पिन पे कौन सा सप्लाई जो है इन होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेट पे किसी किसी मॉडल में जो होता है वो गलत डाटा शीट भी दे दिया जाता है, जैसा कि हमारे साथ इस तरह एक हुआ है, मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूं। जैसा कि एक हमारे पास LTA-23-0AN01 का ये हमारे पास टिकॉन बोर्ड का इमेज है, और इसमें जो LVDS कनेक्टर है इसका सप्लाई मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इसी का जो है डाटा शीट जो है मैं डाउनलोड किया हूं। ये जो मॉडल देख रहे हैं ये मॉडल का डाटा शीट को डाउनलोड किया हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये डाटा शीट जो है नेट पे गलत बताया गया, आप खुद सर्च करके इसका डाटा शीट को टेली करा सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 30 पिन का हमारा LVDS कनेक्टर है, तो इसका डाटा शीट को मैं डाउनलोड किया हूँ जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें LVDS कनेक्टर का जो पिन नंबर बताया गया है वो इधर से एक नंबर बताया गया और इधर 30 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका एक नंबर पे सप्लाई देख लेते हैं कि इसमें हमारा डाटा शीट में एक नंबर पे कौन सा सप्लाई है। तो एक नंबर पे हमारा VCC सप्लाई इन होता है, ठीक है, दूसरा पर भी VCC सप्लाई इन होता है, तीसरा पे भी, चौथा पे भी, और पांचवा हमारा NC है, NC यानी नॉट कनेक्शन, ठीक है। तो ये 4 नंबर पे हमारा कनेक्शन इन हो रहा है VCC सप्लाई। तो ये हमारे पास इसका बोर्ड है, जो कि हमारे पास बोर्ड का इमेज है। तो इसमें से यदि हम एक नंबर मानते हैं तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों जो है अलग अलग सप्लाई है, एक ही सप्लाई नहीं है, ठीक है। और इधर से यदि एक नंबर मानते हैं तो हमारा सप्लाई देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर ही हमारा जो है VCC इन होगा, ठीक है। और ये पांचवा में हमारा, इसमें देख सकते हैं पांचवा में हमारा NC है, यानी कि नोट कनेक्शन, और हमारा सप्लाई यहाँ पांचवा में भी VCC इन हो रहा है, ठीक है। तो एक क्रॉस यहाँ पे लग गया हमारा, तो ये कनेक्शन हमारा गलत है। और भी कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि 6, 7, 6 और 7 नंबर जो है ग्राउंड है, ठीक है। तो एक बार हम इधर से 6 और 7 नंबर पिन को देखते हैं और एक बार इधर से 6 और 7 नंबर पिन को देखते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर में दोस्तों देख सकते हैं 6 नंबर में हमारा ग्राउंड नहीं है, ठीक है। 6 नंबर में हमारा पेयर का कनेक्शन आया हुआ है, 6 और 7, 7 ग्राउंड है पर 6 ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा 6 नंबर पिन इसका गलत बताया हुआ है। तो इधर से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 ग्राउंड है, ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि 7, 8, 9, और इसमें 7, 8, 9 में कौन सा कनेक्शन दिया हुआ है ये देखना है। 7 में NC है यानी नोट कनेक्शन, सॉरी 7 में ग्राउंड है, ठीक है, और 8 में NC है, जबकि 8 में हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और 9 में हमारा LVDS का कुछ सप्लाई है, ठीक है, जबकि 9 में हमारा ग्राउंड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में हमारा ग्राउंड है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये हमारा डाटा शीट पूरा का पूरा
रॉन्ग है, ठीक है। अगर इसको देख करके कनेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैनल भी खराब हो सकता है, मदरबोर्ड भी आपका खराब हो सकता है, या हो सकता है कुछ ना खराब हो, पर आपको परेशानी होगा कनेक्शन करने में और समय भी वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि नेट से आप कुछ भी डाउनलोड कर लिए और कनेक्शन कर देना है, उसमें अपना भी दिमाग लगा करके देखना है आपको कि जो हमारा नेट में कनेक्शन बताया गया है वो सही बताया गया है कि नहीं। तो सही कनेक्शन है कि नहीं ये जानने के लिए आप ग्राउंड के साथ में मैचिंग कर सकते हैं कि जो जो पिन पर हमारा सप्लाई ग्राउंड आया हुआ है वो ग्राउंड है कि नहीं, और जिस पिन पे हमारा VCC इन हो रहा है वो पिन पे हमारा VCC इन हो रहा है कि नहीं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे VCC इन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम नेट का जो डाटा शीट है उसको चेक कर सकते हैं कि ये ओके है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं कि जब हमारा नेट पे इसका डाटा शीट जो गलत दिया हुआ है तो इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर टिकोन बोर्ड पे कहीं ना कहीं कुछ जो है इसका सिग्नल लिखा हुआ होता है, आपको समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको नेट से किसी भी पैनल का डाटा शीट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका टिकोन बोर्ड को ही पढ़ करके आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। मुझे समझने में बहुत समय लगा क्योंकि जो ये हमारा LVDS कनेक्टर होता है वो बहुत ही छोटा कनेक्टर होता है, और इस पर जो लिखावट होता है वो बहुत ही छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ होता है। इसको मैं इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए इमेज में जो है बड़ा बड़ा साइज दिख रहा है और आपको समझने में सुविधा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा LVDS कनेक्टर पर पैनल को वर्क करने के लिए कितना सिग्नल आता है। तो इसमें जो होता है वो 10 सिग्नल आता है और 2 सप्लाई आता है, ठीक है। तो 10 सिग्नल जो आता है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं दो दो पॉइंट बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही 5 पेयर का सिग्नल है, यानी कि 10 कनेक्शन है और एक हमारा ग्राउंड, ठीक है, और हमारा एक VCC सप्लाई। तो ये 12 कनेक्शन यदि आप टिकोन बोर्ड पे दे देंगे, यानी कि ये हमारा LVDS कनेक्टर पर 12 कनेक्शन दे देंगे तो पैनल जो है 100% वर्क करेगा। और साथ में आपको ये कनेक्शन जो है सही सही देना है कि ये जो हमारा पेयर है वो कौन कौन सा पेयर है और ये कौन कौन सा सिग्नल यहाँ पे इन होता है। तो इसके लिए हम अब आते हैं यूनिवर्सल बोर्ड पे। तो दोस्तों ये हमारे पास यूनिवर्सल बोर्ड का इमेज है, तो इसका कनेक्शन कैसे करना है ये आपको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टिकोन बोर्ड में ये सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 सप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 सप्लाई जो है ये यहाँ का सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ समझने में मुझे काफ़ी समय लगा, और ये जो सिग्नल होता है वो हर टिकोन बोर्ड पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है RXA1N। तो दोस्तों ये जो हमारा RX1AN है ये सप्लाई हमारा ये है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे जो 10 सप्लाई है इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पेयर बोला जाता है, तो ये 5 पेयर का है, यानी कि 5 पेयर में 10 सप्लाई आ गया है। और अब जो है इधर का सप्लाई देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो VCC हमारा देना है, ये हमारा LVDS कनेक्टर पर, तो VCC सप्लाई हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पे VCC, ये दोनों VCC है, ठीक है, यहाँ पे VCC लिखा हुआ है। तो ये दोनों सप्लाई हमारा VCC है, ये NC है यानी कि नो कनेक्शन, ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे नो कनेक्शन, और ये हमारा 0-, यानी कि ये जो हमारा सिग्नल है 0-, 0+ इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 0- यहाँ पे है, तो 0- हमारा ये है, ठीक है, ये कनेक्शन जो है हमारा 0- का है, ये 0+ का है, ठीक है। और ये हमारा 1- और ये 1+, ठीक है, और ये हमारा 2-, 2+, और ये हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड है, और ये हमारा क्लॉक सिग्नल है, ठीक है, क्लॉक-क्लॉक+, ये जो हमारा क्लॉक है क्लॉक-क्लॉक+, और ये हमारा 3-3+, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें इतना ही कनेक्शन देना है LVDS कनेक्टर पे। तो इसमें क्या कनेक्शन हो गया, 1, 2, 3, 4, ये ग्राउंड है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये हमारा एक VCC और एक ग्राउंड, ठीक है, यानी कि 12 कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, ये दोनों एक कनेक्शन है। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो सारा सिग्नल है वो ये कौन कौन से पेयर पे जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड और VCC तो यहाँ पे
आ जाएगा, जैसे ग्राउंड को ग्राउंड में देना और VCC को VCC में देना है यहाँ पे। और अब जो है हमें 0-0+ को लेना है, तो ये सिग्नल हमारा 0- का है, तो ये 0- कौन सा है, A-, ठीक है। A- जो हमारा सिग्नल है वो ये 0- है, किसी किसी में 0- भी लिखा हुआ होता है, किसी किसी में A- भी लिखा हुआ होता है, ये आपको समझना है। किसी किसी टिकोन बोर्ड पे यहाँ आपको 0- लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0- का है, तो ये 0- कहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। और ये सिग्नल हमारा ये वाला है, और ये हमारा 0+ है, तो 0+ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0-, ठीक है, यहाँ पे 0+, और ये हमारा 1-1+, तो ये हमारा सिग्नल है 1-, तो 1- कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1-, यहाँ पे लिख देते हैं। और ये हमारा 1+, तो ये हमारा 1+ है, ठीक है। फिर हमारा ग्राउंड आ जाता है, तो ये हमारा क्लॉक-क्लॉक+, ठीक है। तो क्लॉक- कौन सा पिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 जो है क्लॉक- और क्लॉक+ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारा क्लॉक- हो गया, यानी कि CLK जिसको कहते हैं, क्लॉक-क्लॉक+, ठीक है। और अब कौन सा सप्लाई बच गया, 3-3+, तो 3- कौन सा है, ये हमारा पेयर बच गया है, तो ये हमारा 3- है, ठीक है, 3- और ये 3+, तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे साथ में आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूँगा, कि जो मैंने बताया कि कनेक्शन को यहाँ पे लगाना, ये पॉइंट पे लगाना है, ये समझाने के लिए आपको ये पॉइंट पे कनेक्शन नहीं करना है, आपको ये जो पिन दिख रहा है LVDS कनेक्टर का, ये पिन पे सोल्डिंग करना है, क्योंकि यदि यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे तो ये प्रिंट जो है कवर जाएगा, तो आपको ये पिन पे सोल्डिंग करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी प्रिंट होता है, इसमें कैमरे में जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये बहुत ही बारीकी प्रिंट होता है। तो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लें, इसका मैं कंप्लीट बताया हूँ कि ये जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड होता है उसका कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं, और टिकोन बोर्ड का ये स्पेशल वीडियो था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।